दोस्तों हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग की एवर्टन टीम ने सोशियो और चिली ऐप के साथ साइन अप किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सोशियो ऐप चिली ब्लॉकचेन पे रन होता है और इसी का एक एसएनएल फैन टोकन 12 अगस्त को सीएट पे एफटीओ के साथ लॉन्च होने जा रहा है। और इसी के वजह से यहाँ पर जो चिली कॉइन है उसमें आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 आवर्स में देखा जाए तो 11% से ज्यादा का पंप ये कर चुका है। पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि जब एसएनएल फैन टोकन 12 अगस्त को लॉन्च होगा उस टाइम इसका प्राइस में आपको क्या पंप देखने को मिलता है। लेकिन मेरे को लगता है जिस हिसाब से ऐसा होता हुआ आया है, जब भी कोई इवेंट होने वाला रहता है उससे पहले ही जो पंप देखने को मिलता है वही देखने को मिलता है। जब यहाँ पर वो इवेंट खत्म हो जाता है या फिर इवेंट का दिन रहता है उस टाइम में वो जो कॉइन होता है वो डंप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ चिली कॉइन में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा था तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कल ही अपडेट कर दिया था। तब आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप अभी प्रॉफिट में आ गए होंगे। लेकिन अगर आप अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हाँ कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में आते हो तुरंत आप यहां पर एग्जिट भी जरूर कीजिएगा। बाकी जो लोग 100 टाइम में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, काफी अच्छा मौका है आपके लिए। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और अब समय हमारे क्रिप्टो न्यूज का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डॉज कॉइन पिछले 7 दिनों में 18% से प्रॉफिट देने की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो जितने भी डॉज कॉइन इन्वेस्टर है वो खुश हो जाइए, क्योंकि दोस्तों मनी एनालिसिस से पता चलता है कि 66% डॉज कॉइन होल्डर प्रॉफिट में आ गए हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि उन 66% में आप हैं या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कि आप प्रॉफिट में आए हैं या फिर नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप प्रॉफिट में आए हैं या फिर नहीं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो दोस्तों आज दोबारा से बिटकॉइन ने अपना $45,000 वाले रेसिस्टेंस को तोड़ के $46,000 वाले लेवल को टच किया। लेकिन टच करने के बाद में ये होल्ड नहीं कर पाया, रिजेक्शन मिला और दोबारा से ये $45,000 पे आ गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर चिंता नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है इस हफ्ते में आपको 5% का गिरावट देखने को मिले बिटकॉइन में। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना रहेगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $40,400 से नीचे ना जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर से जो बुल रन आया है वो दोबारा बियर में बदल जाए। तो ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया है इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको अपडेट करते रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अलेक्जेंडर ओविचेन जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है हॉकी के, उन्होंने इथर्निटी चैन के साथ मिलकर अपना खुद का एक NFT कलेक्शन लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि NFT के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि मार्वल का भी एक NFT लॉन्च होने वाला है स्पाइडरमैन करके, और उस न्यूज में ये भी बोला गया था कि कुछ दिन बाद यहाँ पर आयरन मैन और भी बाकी सारे जो सुपर हीरोज हैं उनका भी यहाँ पर NFT लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज है। NFT के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े कंपनी है जो कि घुस रही है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज है। दोस्तों जिस हिसाब से इथेरियम बर्न किया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगले साल सिर्फ 2 मिलियन इथेरियम को ही बर्न किया जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी तक यहाँ पर 10,000 इथेरियम को बर्न कर चुका है। और दोस्तों जब से ये इथेरियम बर्न किए जा रहे हैं तब से आपको इथेरियम के प्राइस में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं जब सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा या फिर डिमांड उतना भी रहेगा तो उसका जो प्राइस है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ऐसा हो भी रहा है। इथेरियम का प्राइस आप देखेंगे तो दोबारा से $3,000 को ये पार कर चुका है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि बर्न किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि टोटल कितने इथेरियम को यहाँ पर बर्न किया जाएगा इस साल के अंदर। दोस्तों लंदन लॉ फर्म्स ने ग्लोबल क्रिप्टो फ्रॉड और एसेट रिकवरी नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रॉड है और जो यहाँ पर क्रिप्टो फिशिंग है और यहाँ पर जो चोरियां है वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। तो इसी के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया है और साथ ही में एक एसेट रिकवरी नेटवर्क को भी लॉन्च किया है जो कि हमारी हेल्प करेगा पैसा रिकवर करने में। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।